दोस्तों मैं हम सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से वो भी सम्राट पृथ्वीराज फिल्म के बारे में और डे नाइन्थ का बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन बताना चाहता हूँ। 7 दिनों तक का ऑफिशियल टोटल तो आपको पता ही चल चुका है, 55.05 करोड़। कल तक ये फिल्म जो कमाती हुई नजर आ रही है वो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हुआ होगा, ये हम मान के चलते हैं। टोटल इस फिल्म का हो गया होगा 8 दिन के बाद 57.55 करोड़, 57 करोड़ 55 लाख। और डे नाइन जो कि सेकेंड वीक का सैटरडे है और ये फिल्म को आज भी स्क्रीन्स अच्छी खासी मिली है। इवन इसे गेटी में रखा गया है, चारों शो दिए गए हैं। और मुंबई की अगर बात करें तो फेमस गेटी गैलेक्सी की, वैसे ही इसके शो अभी भी लगे हुए हैं। सिर्फ ये है कि ये फिल्म को लेकर पब्लिक आए और ये फिल्म कमाई करे। तो डे नाइन का प्रेडिक्शन जो मेरा है वो 2 से 3 करोड़ तक का है, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे में ग्रोथ होता है। उम्मीद है कि सबसे कोई बहुत बड़ी फिल्म टक्कर के लिए नहीं है तो ग्रोथ मिले। तो अगर 2 से 3 करोड़ ये फिल्म कमाती है डे नाइन को तो टोटल इस फिल्म का जाएगा 59.55 करोड़ से 60.55 करोड़ तक, यानी कि ये फिल्म 59 से 60 करोड़ के मिड रेंज में आज कमाई कर सकती है। और ये कलेक्शंस उम्मीद से बहुत कम है, उम्मीद से आधा मैं कहूंगा है, क्योंकि फिल्म में बजट इतना ज्यादा डाल दिया गया कि फिल्म का प्रॉफिट क्या, फिल्म का लॉस ही रिकवर हो जाए, यही बड़ी बात है। तो ये डे नाइन के प्रेडिक्शंस आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।